course, when it comes to men, that's for Ukraine to provide. Ukraine has just now adopted a new law expanding the conscription age. It's not for me to go into the details, but of course, I expect that, I'm confident that Ukraine will take the necessary decisions to mobilize the necessary number of men. जैसे कि आपने सुना नेटो के जनरल सेक्रेटरी जेन्स स्टोल्टनबर्ग को, जो ये कह रहे हैं कि जहां पर एक तरफ यूरोपियन यूनियन या नेटो में से कोई भी मेंबर अपने वहां से कोई भी आर्म ग्रुप नहीं भेजेगा, वहीं पर वे लोग ये बात कर रहे हैं कि किस तरह से कंस्क्रिप्शन प्रोग्राम के द्वारा, यानी कि यूक्रेनियंस को कंपल्सरी मिलिट्री में सेवा देने की पॉलिसी बनाकर यूक्रेन रशिया के सामने युद्ध जीत सकता है और जरूरी जो नंबर्स हैं, जो जरूरी सेना है, वो जुटा पाएगा। वहीं पर दूसरी तरफ यूक्रेन में, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जबरन लोगों को घरों से और रास्तों से घसीट घसीट कर वहां की सेनाएं ले जा रही हैं और जबरदस्ती सेना में दाखिल करवा रही हैं। ये एक बहुत ही अमानवीय आचार है, जिस तरह से आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, और इस प्रकार की घटनाएं कुछ चुनिंदा नहीं बल्कि बहुत सारी रेगुलर बेसिस पर होती आ रही हैं काफी लंबे समय से। तो उसी के चलते वहां पर यूक्रेन में जो ह्यूमन राइट्स का सिनेरियो है, वो काफी ही कॉम्प्लिकेटेड चल रहा है। तो आने वाले समय में देखना होगा कि क्या यूक्रेन के सामने उन लोगों के अमानवीय व्यवहार को लेकर कोई भी आवाज उठाता है या नहीं। हम यूक्रेन की ऐसे स्टेप्स का विरोध करते हैं और उनको कंडेम करते हैं। आप क्या सोचते हैं यूक्रेन की इस हरकत के बारे में, यह हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि देश और दुनिया की ऐसी खबरें भी आपको मिल सकें जो अन्य जगहों पर आप नहीं मिल सकती। हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।